बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर फोर में। एग्जाम्पल नंबर फोर में क्या दे रखा है कि देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स दे रखा है और राइट हैंड साइड में एक दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है। और क्या बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड का ये जो मैट्रिक्स है ये जो राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स के इक्वल है। तो दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं? जब उनके ऑर्डर सेम हो और उनके क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। मतलब क्या है कि इसमें A11 का एलिमेंट क्या है? X+3। और यहाँ A11 का एलिमेंट क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है? 0। तो ये जो X+3 है इसको 0 के इक्वल होना पड़ेगा। क्यों? ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। फिर ये जो एलिमेंट है ये क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है Z+4। इसको किसके इक्वल होना होगा? सेकंड मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के इक्वल, मीन्स 6 के इक्वल होना होगा। मतलब Z+4 किसके इक्वल होगा? 6 के। फिर यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है? 2y-7। और यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है? 3y-2। तो फिर 3y-2 यहाँ पे और ये 2y-7 इसको भी इक्वल होना होगा। फिर क्या हमारे पास? देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या? -6। तो यहाँ भी -6 है, ये ऑलरेडी इक्वल है। फिर यहाँ पे सेकंड रो और ये क्या हमारा सेकंड कॉलम का एलिमेंट, यहाँ पे क्या है? A-1। और यहाँ पे क्या? -3। ठीक है, तो मतलब A-1 को -3 के इक्वल होना होगा। फिर यहाँ पे सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है? 0। और यहाँ क्या है? 2C+2। तो ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट 2C+2 है और यहाँ पे 0। तो फिर 2C+2 किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है B-3। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 2B+4। तो इसको भी आपस में इक्वल होना होगा, मीन्स 2B+4 इज इक्वल टू B-3। फिर यहाँ पे थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट -21, ये ऑलरेडी इक्वल है। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या? 0, 0, वो भी इक्वल है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर का है यहाँ पे, और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स है वो भी 3x3 ऑर्डर का है। तो इसका मतलब कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है। अब बस हमें क्या करना है? ए का वैल्यू निकालना है हमें, बी का वैल्यू निकालना है, सी का वैल्यू, एक्स का, वाई का एंड जेड का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे? बस सिंपल सा क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है इक्वेटिंग द। इसको सॉल्यूशन क्या करेंगे हम लोग? सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे, बाय क्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ऑफ टू मैट्रिसेस equating the corresponding elements we get। दोनों मैट्रिसेस के corresponding को corresponding elements को equate करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे A11x+3 किसके इक्वल होगा? 0 के। X+3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? X इज इक्वल्स टू -3। तो X का वैल्यू देख लो मिल गया। फिर यहाँ पे Z+4 किसके इक्वल होगा? 6 के। तो Z+4 को हमने किसके इक्वल किया? 6 के। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? Z इज इक्वल्स टू 6-4, 2। तो Z का भी वैल्यू हमें मिल गया 2। ठीक है, फिर क्या होगा? 2y-7 किसके इक्वल होगा? 3y-2 के इक्वल होगा। फिर 2y-7 इज इक्वल्स टू 3y-2। इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 3y-2y इधर जाएगा तो क्या होगा? +7-2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला? y+5 इज इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू -5। तो हमें y की वैल्यू भी मिल गई। उसके बाद क्या? ये -6-6 तो ऑलरेडी इक्वल है। फिर A-1 किसके इक्वल होगा? A-1 इक्वल होगा -3 के। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? A इज इक्वल्स टू -3+1, इम्प्लाइज -2। तो यहाँ से हमें क्या मिला? A इज इक्वल्स टू -2। तो A की वैल्यू भी मिल गई हमें। फिर ये 0 और ये 2C+2 इक्वल होगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 2C+2 को किसके इक्वल करेंगे? 0 के। तो यहाँ से हमें C क्या होगा? -2/2।
तो इक्वल्स टू माइनस वन, तो दिस इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल्स टू माइनस वन, तो हमें सी की वैल्यू भी मिल गई। उसके बाद क्या है, फिर यहाँ पे बी माइनस थ्री को हम किसके इक्वेट करेंगे, यहाँ पे ये बी माइनस थ्री को टू बी प्लस फोर से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ फिर हमें होगा बी माइनस थ्री इज इक्वल्स टू टू बी प्लस फोर, लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले गए, तो क्या हो जाएगा टू बी माइनस बी प्लस फोर प्लस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, तो टू बी माइनस टू क्या होगा बी, बी प्लस सेवन इज इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज बी इज इक्वल्स टू माइनस सेवन, तो b का वैल्यू भी हमें मिल गया। उसके बाद क्या है, b माइनस थ्री को फिर देखो ये माइनस ट्वेंटी वन, माइनस ट्वेंटी वन इक्वल है जीरो, जीरो के इक्वल है, तो हो गया। किसका वैल्यू पूछ रहा था हमसे, x का a का वैल्यू पूछ रहा था, तो a का वैल्यू हमने निकाल लिया माइनस टू। फिर किसका वैल्यू पूछ रहा था यहाँ पे, b का, तो b का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया माइनस सेवन। फिर हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा था, c का, तो c का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया माइनस वन, देख लो। फिर किसका वैल्यू पूछ रहा था, x का, तो x इज इक्वल्स टू माइनस थ्री। फिर पूछ रहा था y का, तो y इज इक्वल्स टू माइनस फाइव। फिर क्या पूछ रहा था, z का, तो z इज इक्वल्स टू टू। तो ये हमारा आंसर हो गया, एक तो आंसर यहाँ हो गया, एक आंसर यहाँ हो गया, एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, एक यहाँ पे आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये बच्चों हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर फोर भी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर फाइव में। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे क्या दे रखा है, टू बाई टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी टू बाई टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सेम है। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ए का, बी का और सी का वैल्यू निकालना एंड डी, डी का भी वैल्यू निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स दे रखा है, राइट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स दे रखा है, तो हमारा क्या बन गया, मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स, एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन से हमें ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स और ये राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। ये हमारा क्या है, ए वन वन फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, यहाँ पे ये फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसको इक्वल होना होगा आपस में, मीन्स क्या होगा, टू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू फोर। ये क्या है, फर्स्ट ऑफ सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये फर्स्ट ऑफ सेकंड कॉलम का एलिमेंट, इसको भी आपस में इक्वल होना होगा, तो मीन्स क्या होगा, ए माइनस टू बी इज इक्वल्स टू माइनस थ्री। फिर ये क्या हमारा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसको भी आपस में इक्वल होना होगा, तो फाइव सी माइनस डी इज इक्वल्स टू इलेवन होना होगा। फिर क्या हमारे पास, 4c माइनस डी को किसके इक्वल होना होगा, 24 के, तो यहां से 4c प्लस 3d को 24 से इक्वेट करोगे, इक्वेशंस बन जाएंगे, चार इक्वेशंस बन जाएंगे, उसमें से हमें a b c d का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा काम क्या करेंगे हम लोग, हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन अपना बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टू ए प्लस बी, टू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू फोर, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। फिर यहाँ पे क्या होगा, a माइनस टू बी, मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट और यहाँ से फर्स्ट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट किसके इक्वल होगा, माइनस थ्री के। तो इतना करते ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देख के तुम्हें क्या याद आ जाना चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते, कई सारे मेथड होते हैं, एक इलिमिनेशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, एक सब्सिट्यूशन होता है, तो कुछ भी कर लो, मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो उसको यूज़ कर लेते हैं। 2a प्लस बी, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, इज इक्वल्स टू जीरो। फिर यहाँ पे क्या होगा, a माइनस टू बी यहाँ पे रखा, प्लस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको सॉल्व अगर करना है तो सबसे पहले a को रखा अपॉन, अब ये जो टर्म दिख रहा है ना, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये जो दिख रहा है तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई में, इसको हटा दो। अब यहाँ से तुम क्या करो,
कि इस बी के कोफिशेंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो, ऐसे क्रॉस करना है, ऐसे। बी का कोफिशेंट क्या है एक बार बता दे रहे हो, टेंथ क्लास से ऑलरेडी जानते होगे। अच्छा, तुम लोगों को तो बिल्कुल पता होगा, 1 × 3, फिर माइनस, फिर उसके बाद इसको क्रॉस करो, कांस्टेंट और यहाँ पे बी का कोफिशेंट, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला से आ जाएगा, ये क्या होगा +8, तो ये हो जाएगा -8, ठीक है, इज इक्वल्स टू, फिर बी लिखा, और बस जब बी लिखेंगे तो फिर इसको हटा देंगे, बी लिखेंगे तो क्या करेंगे हम, बी लिखेंगे तो फिर हम इसको हटा देंगे, ये वाला जो चीज़ है ना इसको हटा देंगे, तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बी नहीं लिखेंगे, बी की जगह माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। अगर तुमने माइनस बी लिखना है तो फिर क्रॉस कैसे करना है, पहले यहाँ पे ए का कोफिशेंट × 3, फिर ए का कोफिशेंट −4, अगर यहाँ पे माइनस बी लिखना है तो, और अगर यहाँ पे बी लिखना चाहते हो तो उल्टा क्रॉस करना होगा, पहले −4 * ए का कोफिशेंट, फिर माइनस ए का कोफिशेंट × 3 कॉन्स्टेंट टर्म, तो माइनस बी लिखा तो क्या होगा 6 माइनस, ये क्या होगा −4, तो ये हो जाएगा +4, फिर कांस्टेंट लिखा, कांस्टेंट लिखेंगे तो क्या करेंगे, कांस्टेंट हटा देंगे, कांस्टेंट को हटाने पे ये हटा देंगे, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा −4, फिर माइनस, ये क्या हो जाएगा बी का कोफिशेंट 1, ए का कोफिशेंट तो −1, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए अपॉन −5 इज इक्वल्स टू −B/10 इज इक्वल्स टू 1/-5, ठीक है। एक बार इसको और इसको इक्वेट कर लो, ए का वैल्यू आ जाएगा, फिर एक बार इसको इसको इक्वेट कर लो, बी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हमने ए बोला, इसको हमने इक्वेशन बी बोला, इसको हमने सी बोला, यहाँ पे ऐसे लिखा फ्रॉम ए एंड सी से क्या होगा, ए अपॉन −5 इज इक्वल्स टू 1/-5, तो −5 − 5 कैंसिल, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए इज इक्वल्स टू −1, ये हमारा ए का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू हमें क्या मिल गया, −1, ये −-, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें ए का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब आते हैं बी का वैल्यू निकालते हैं, तो बी के लिए क्या होगा, फ्रॉम बी एंड सी को इक्वेट करो तो हमें क्या मिल जाएगा, −B/10 इज इक्वल्स टू 1/-5, तो यहाँ से क्या होगा, −B इज इक्वल्स टू 10/-5, क्या हो जाएगा ये −2, तो यहाँ से हमें बी का वैल्यू क्या मिल गया, बी इज इक्वल्स टू 2, बी का वैल्यू हमें 2 मिल गया, कि हमें बी का वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। ए और बी मिल गया, अब आते हैं क्वेश्चन में, अब बताओ सी और डी निकालना है सेम लाइन पे, 5C − D किसके इक्वल होगा, 11 के, यहाँ से 5C − D किसके इक्वल होगा, 11 के, तो हमने क्या लिखा, 5C अगेन 5C − D इज इक्वल्स टू 11, और यहाँ पे क्या होगा ये 4C + 3D इज इक्वल्स टू 24, इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया, 4C + 3D इज इक्वल्स टू 24, 4C + 3D इज इक्वल्स टू 24th, इसको हमने फोर्थ इक्वेशन मान लिया। अब क्या करेंगे, अगेन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को हमें यूज़ करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को तो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो ये हो जाएगा 5C − D − 11 इज इक्वल्स टू 0, फिर ये हो जाएगा 4C + 3D − 24 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे हो गया। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये C लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा −-24, उसके बाद ये हो गया हमारा 24, माइनस डाला, ये क्या हो जाएगा −33, तो +33, ऐसे हो गया इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे −D,
अपॉन माइनस डी लिखेंगे तो फिर क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। अब इस दो को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव इंटू 24, फिर माइनस एक लगाया। अब ये क्या होगा, माइनस 44, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 44 इज इक्वल्स टू वन अपॉन वन लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे तो इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा ये, इसको क्या मल्टीप्लाई, 5 3 15, ये क्या होगा माइनस 4, तो ये प्लस 4। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो c अपॉन क्या हो जाएगा, 767 इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन 120 प्लस 44 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 19। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, c अपॉन 67 इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा माइनस 76 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 19। इसको हमने इक्वेशन डी मान लिया, इसको इक्वेशन ई मान लिया, इसको इक्वेशन एफ मान लिया। अब कैसे लिखेंगे, फ्रॉम डी एंड एफ, डी और एफ को इक्वेट करेंगे, यहाँ से डी और ये एफ को, तो हमें क्या मिलेगा, सी अपॉन 67 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 19। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल्स टू 67 अपॉन 19, क्या हो जाएगा ये। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना थोड़ी सी कैलकुलेशन हल्की सी मिस्टेक हो गई है, ये 67 नहीं है बेटा, ये 57 ही है, 57 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 57, तो ये हो जाएगा 57, ये क्या हो गया 57, तो C क्या मिल गया हमें 57 अपॉन 19, ये क्या मिल गया हमें 3, तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल गया, C इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम E एंड F, E और F से हमें क्या मिलेगा, ये तो हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, D अपॉन 76 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 19, तो यहाँ से D इज इक्वल्स टू 76 अपॉन 19, तो D का वैल्यू क्या होगा 4, तो यहाँ से हमें क्या मिला, D इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो D का वैल्यू निकाल लिया हमने, C का वैल्यू हमने निकाल लिया, फिर हमने यहाँ पे बी का और ए का, तो ये आंसर आ गया हमारा, एक आंसर ए का वैल्यू क्या हो गया 1, ये एक हमारा आंसर हो गया, फिर बी इज इक्वल्स टू 2, ये दूसरा आंसर हो गया, फिर क्या बोल रहा है, सी इज इक्वल्स टू 3, ये हमारा तीसरा आंसर हो गया, एंड डी इज इक्वल्स टू 4, ये हमारा चौथा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, हमने कर लिया ये एग्जाम्पल 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 4। ठीक है ना,